हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच चल रही T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड को हरा के विश्व विजेता टीम को चौंका दिया है। इस सीरीज के दो T20 मुकाबले और खेले जाने हैं और ये बाकी के दोनों T20 मुकाबले शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका पर खेले जाएंगे और आज के इस वीडियो में ढाका के इसी पिच का हम प्रीव्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि इस सीरीज के बाकी के दो T20 मुकाबले जहां पर इस सीरीज का डिसीजन भी होना है, किसके पक्ष में जाएगी, ये पिच कैसा इंपैक्ट दिखाएगी, बाउंड्री साइज कितनी है, कैसा खेल हमको देखने को मिलने वाला है, स्टैट्स कैसा रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करें ढाका में स्थित शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच के बारे में तो ये बैलेंस पिच है। एक ऐसी पिच जहां पर गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर मुकाबलों में देखी जाती है। वैसे ये बांग्लादेश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम में से एक मानी जाती है। ढाका की ये पिच अब तक कुल मिला के 65 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 31 मुकाबले तो चेज करने वाली टीम ने 34 मुकाबले जीते हैं। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 140 तो दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 122 का रहा है। वहीं इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल बांग्लादेश के नाम है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 ओवरों में 4 विकेट पर 211 रन का स्कोर बनाई थी। तो लोवेस्ट टोटल में न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश के सामने मात्र 60 रन बना के ऑल आउट हो चुकी है। हाईएस्ट स्कोर चेज में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ चेज करते हुए 194 रन का बड़ा स्कोर चेज कर लिया था और मुकाबला जीत ली थी। तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड वुमेन्स क्रिकेट में देखा गया है। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने अपने 85 रन के छोटे से योग को बांग्लादेशी महिला के सामने सक्सेसफुली डिफेंड करके मुकाबला जीता था। बात करें दोस्तों यहां की ग्राउंड साइज और बाउंड्री साइज की, तो ग्राउंड साइज की अगर हम मेजरमेंट देखें तो 186x136 मीटर के रेंज में कवर होती है और यहाँ पर अगर हम बाउंड्री साइज देखें तो कुल मिला के 65x75 मीटर के रेंज में चारों ओर की बाउंड्री कवर होती है, मतलब कि ये मॉडरेट किस्म की बाउंड्री है। वैसे दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर हुए मुकाबलों में दोनों ही टीमों के स्टैट्स की, तो ये काफ़ी हैरत अंगेज बात है कि यहाँ पर ढाका जो यहाँ पर कुल मिला के 65 T20 मुकाबले हो चुके हैं और इंग्लैंड जैसी टीम यहाँ पर अब तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला है और कोई भी प्रोफेशनल टीम द्वारा ये एक सिंगल टीम है जो यहाँ पर T20 मुकाबले नहीं खेली है। बाकी की सारी प्रोफेशनल टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुकी है, इवन T20 फॉर्मेट में भी। तो यहाँ पर ये जो दो T20 मुकाबले खेले जाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश टीम को बिल्कुल नया माहौल मिलने वाला है और इस एटमॉस्फियर में एडजस्ट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें बांग्लादेश के परफॉर्मेंस की, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर कुल मिला के 41 T20 मुकाबले खेले हैं, इस दौरान 19 मुकाबले जीते हैं तो 22 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेशी टीम इन दोनों T20 मुकाबलों में से कोई एक या फिर दोनों जीत के सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर T20 विजेता टीम इंग्लिश टीम यहां पर कमबैक करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम करेगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।